हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालू एंड वेलकम टू माय चैनल किचन धमाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक स्वीट की रेसिपी। जैसा कि आप लोगों को पता है, फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आज एक पेड़े की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इस फेस्टिवल में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट हो जाने दें। फ्रेंड्स, मैंने देसी घी का यूज़ किया है। अब हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। मैदे को 2 से 3 मिनट के लिए भून लें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। फ्रेंड्स, इसे कंटिन्यू आप चलाते रहें, नहीं तो ये जल सकता है। अब हम यहाँ पर 2 कप दूध ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें, इसमें लम्स हो जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से मिक्स करें। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 कप। मिल्क पाउडर से इस पेड़े का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। आप अपने चॉइस के हिसाब से चीनी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब अच्छे से सभी को मिक्स कर लें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहें। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप के करीब रेड कलर का टूटी फ्रूटी लिया है। फ्रेंड्स, आपके पास कोई और कलर का टूटी फ्रूटी है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें और इसके जगह आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्रेश कोकोनट को क्रश कर लिया है और वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप उसे यूज़ करें। फ्रेंड्स, इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये थिक हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें। इसमें अब आप 1/2 चम्मच के करीब घी ऐड करें और इसे अपने हाथों से अच्छे से मैश कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। और एक प्लेट ले, उस प्लेट पे आप अच्छे से घी को ग्रीस कर ले और उस पे इस मिक्सचर को रखें और अपने हाथों में अच्छे से घी को अप्लाई कर लें और इस मिक्सचर से थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेकर पेड़े का शेप दें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे पेड़े को रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी से इसे गार्निश किया है। आप चाहे तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते, मैदे से हम बहुत ही अच्छा स्वीट्स रेडी कर सकते हैं। तो इस फेस्टिवल आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।